जय हिंद बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं का विज्ञान विषय का पाठ 5 जीवन की मौलिक इकाई यानी कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। हम इसका पहले भाग पढ़ चुके हैं, अब हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। लेकिन दूसरा भाग पढ़ने से पहले आइए हम पहले भाग को दोहरा लेते हैं। पहले भाग में हमने पढ़ा कि कोशिका जीवन की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिकाएं ऊतक बनाती हैं, ऊतक अंग बनाते हैं, अंग अंग प्रणाली बनाते हैं और अंगतंत्र एक जीवित जीव बनाते हैं। इस प्रकार सेल बिल्डिंग ब्लॉक या जीवित शरीर की संरचनात्मक इकाई है। कोशिकाओं को पहली बार 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा खोजा गया था। उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के तहत कॉर्क का एक टुकड़ा देखा। उन्होंने देखा कि कॉर्क कई छोटे बक्से से बना है। उन्होंने इन छोटे बक्से या पेटीनुमा रचना को कोशिका कहा। नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। सभी कोशिकाएं संरचना और कार्य में समान होती हैं। किसी जीव का कार्य कोशिकाओं के काम करने के तरीके या उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर निर्भर करता है। उनके कार्य के आधार पर कोशिकाएं अपने आकार और आकृति में भिन्नता दिखाती हैं। वे अंडाकार, धुरी के आकार, गोलाकार आदि हो सकती हैं। कोशिकाओं के आकार को माइक्रोमीटर या माइक्रोन में नापा जाता है। अधिकांश कोशिकाओं का आकार 5 माइक्रोमीटर से 15 माइक्रोमीटर तक होता है। जीवाणु कोशिकाएं सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं और शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा सेल है। यह एक एकल कोशिका है। कोशिकाओं के संख्या के अनुसार जीवों को मोटे तौर पर 2 समूह में वर्गीकृत किया जाता है। ये हैं एक कोशीय जीव और बहुकोशीय जीव। एकल कोशिका से बने जीवों को एक कोशीय जीव कहा जाता है। एकल कोशिका जीवन विकास, गति, पाचन को बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी कार्य करती है। अमीबा, पैरामीशियम और जीवाणु एक कोशीय जीवों के कुछ उदाहरण हैं। बहुकोशीय जीव कई कोशिकाओं से बने जीवों को बहुकोशीय जीव कहा जाता है। ऐसे जीवों की कोशिकाएं आमतौर पर विशेष कार्य करती हैं। अधिकांश पौधे और जानवर बहुकोशीय जीवों का उदाहरण है। एक कोशिका की संरचना कैसी होती है? सेल यानी कि कोशिका के मूल घटक साइटोप्लाज्म, कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन, नाभिक, न्यूक्लियस और कोशिकांग सेल ऑर्गेनल्स हैं। इन सब से मिलकर एक सेल का निर्माण होता है। कोशिका झिल्ली कोशिका की बाहरी परत को कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। यह कोशिका और उसकी सामग्री को परिवेश से अलग करती है। यह कोशिका को सुरक्षा करती है और इसे एक आकार देती है। कुछ चुनिंदा रूप से पारगम्य हैं और पानी, खनिज और अन्य आवश्यक पदार्थों को इससे गुजरने की अनुमति देती है और यह नियंत्रित करती है कि सेल में क्या अंदर आ सकता है और कौन सा पदार्थ सेल के बाहर जा सकता है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होती है। यह कोशिका झिल्ली के बाहर एक अतिरिक्त दीवार है। यह सेल्यूलोज से बनी मोटी दीवार है। सेल की दीवार प्लांट सेल को आकार देती है,
सुरक्षा प्रदान करती है और सेल को कठोरता भी प्रदान करती है। सेल की दीवार पौधों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके पास समर्थन और संरक्षण के लिए कंकाल नहीं होता है जैसा कि जीवों में पाया जाता है। नाभिक कोशिकाओं के अंदर मौजूद एक गोलाकार पिंड है। यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। नाभिक नाभिकीय झिल्ली से घिरा होता है। नाभिक और साइटोप्लाज्म मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। नाभिक के अंदर मौजूद एक छोटी गोलाकार संरचना जिसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। केंद्रक में एक थ्रेड जैसा नेटवर्क भी होता है जिसे क्रोमेटिन कहा जाता है। जब सेल को विभाजित करना होता है तो क्रोमेटिन रॉड जैसी संरचनाओं में खुद को व्यवस्थित करता है। इन रॉड जैसी संरचनाओं को क्रोमोसोम कहा जाता है। उसके अंदर डीएनए होता है। डीएनए में जीन होते हैं जो माता पिता से संतानों तक विशेषताओं के हस्तांतरण में मदद करते हैं। इसलिए डीएनए अधिकांश जीवों में वंशानुगत सामग्री बनाता है। अभी तक हम इतना पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है तथा कोशिका झिल्ली के अंदर तथा केंद्रक झिल्ली के बाहर रहता है। यह रवेदार जेलीनुमा अर्ध तरल पदार्थ है। यह पारदर्शी एवं चिपचिपा होता है। यह कोशिका के 70% भाग की रचना करता है। इसकी रचना जल एवं कार्बनिक तथा अकार्बनिक ठोस पदार्थों से हुई है। इसमें अनेक रचनाएं होती हैं। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में सभी कोशिकांगों को स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है। इन रचनाओं को स्पष्ट देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या किसी अन्य अधिक विभेदन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। अब हम पढ़ेंगे सेल संगठन के बारे में। ऑर्गेनाइल साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए छोटे ढांचे हैं जो जीवन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए एक साथ काम करते हैं। सेल ऑर्गेनेल या कोशिकांग विभिन्न प्रकार के होते हैं जो कि अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं: अंतर्द्रव्य जलिका यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी कॉय या गॉल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड, रसधानियाँ या वैक्यूल्स। आइए अब हम इनको एक एक करके विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले अंतर्द्रव्य जलिका या जिसको इंग्लिश में हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यह नलिकाओं के जाल जैसा दिखता है जो कोशिका झिल्ली से लेकर केंद्रक झिल्ली तक फैला होता है। अंतर्द्रव्य जलिका दो प्रकार की होती हैं: खुरदरी और चिकनी यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खुरदरी अंतर्द्रव्य जलिका की सतह पर राइबोसोम उपस्थित रहते हैं जबकि चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका की सतह पर राइबोसोम नहीं रहते हैं। राइबोसोम का काम है प्रोटीन संश्लेषण, इसलिए खुरदरी अंतर्द्रव्य जलिका में प्रोटीन का निर्माण होता है। चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका में वसा यानी कि लिपिड्स का निर्माण होता है। कुछ प्रोटीन तथा लिपिड्स का उपयोग झिल्ली निर्माण में भी होता है। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन या मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। अंतर्द्रव्य जलिका का एक और काम है पदार्थों का परिवहन। दूसरा कोशिकांग है गॉल्जी कॉय या जिसको हम गॉल्जी एपरेटस भी कहते हैं। यह एक तंत्र है
जिसमें झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाएं या थैलियां मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती हैं। इन थैलियों को कुंडिका या सिस्टर्न्स कहते हैं। अंतर्द्रव्य जलिका और गोल्जी उपकरण मिलकर एक जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र का निर्माण करते हैं। अंतर्द्रव्य जलिका में जिन पदार्थों का निर्माण होता है उनकी पैकेजिंग का काम गोल्जी उपकरण में होता है। गोल्जी उपकरण में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और पैकिंग होती है। लाइसोसोम का निर्माण भी गोल्जी उपकरण में होता है। अगला है लाइसोसोम। यह एक थैली जैसी संरचना होती है जिसके भीतर पाचक एंजाइम यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। इन एंजाइम का निर्माण खुरदुरी अंतर्द्रव्य जलिका में होता है। लाइसोसोम का काम है उत्सर्जन यानी कि अपशिष्ट पदार्थों का निपटारा करना। कोशिका में उपापचय के बाद कई अपशिष्ट बनते हैं जिनका निपटारा लाइसोसोम द्वारा होता है या इनको लाइसोसोम द्वारा एक कोशिका से बाहर निकाला जाता है। इससे कोशिका के भीतर साफ सफाई होती रहती है। जब कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है और एंजाइम अपनी ही कोशिका को बचा लेते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग भी कहते हैं। अगला कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यह एक कैप्सूल जैसी रचना है जिसके बाहर दो झिल्लियाँ रहती हैं। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है यानी उसमें पोर्स होते हैं और भीतरी झिल्ली वलियत होती है। वलियत होने के कारण भीतरी झिल्ली में अंगुली नमा प्रवर्त निकले रहते हैं जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर श्वसन होता है जिससे ऊर्जा निकलती है। इस ऊर्जा का संचयन क्रिस्टी द्वारा एटीपी अणु के रूप में होता है। एटीपी का इस्तेमाल कोशिका द्वारा जरूरत के अनुसार ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है इसलिए इसे कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस भी कहते हैं। अगला कोशिकांग है प्लास्टिड। यह झिल्लीदार रचना होती है जो बहुत कुछ माइटोकॉन्ड्रिया जैसी दिखती है। प्लास्टिड्स केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यह सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। रंगीन प्लास्टिड को ल्यूकोप्लास्ट और रंगीन प्लास्टिक को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का काम है भोजन का संचयन करना। क्रोमोप्लास्ट का काम है पादप के अंगों को खास रंग प्रदान करना। जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल नामक पिगमेंट होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है और यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करती है। क्लोरोप्लास्ट दो झिल्लियों से घिरा होता है। इसके भीतर कई झिल्लीदार परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए और राइबोसोम भी होता है। इसलिए इन अंगकों में कुछ प्रोटीन का निर्माण भी संभव हो पाता है। रसधानियाँ या रिक्तिकाएँ वैक्यूल्स इस नाम से हम इनको जानते हैं। ठोस या तरल पदार्थों से युक्त संग्राहक थैलियों को रसधानी या वैक्यूल्स कहते हैं। शब्द रिक्तिका वैक्यूल का अर्थ है रिक्त स्थान, खाली स्थान। वह विभिन्न पदार्थों के भंडारण और निपटारण में मदद करते हैं। वैक्यूल जीवित रहने के लिए एक सेल द्वारा आवश्यक भोजन या अन्य पौष्टिक तत्वों को स्टोर कर सकते हैं, अपने में संग्रहित कर सकते हैं। रिक्तिकाएं
कई अलग अलग प्रकार के अणुओं को संग्रहित करने में सक्षम हैं। उदाहरण के लिए वसा कोशिकाएं विशेष रिक्तिका में भारी मात्रा में लिपिड को संग्रहित करती हैं। यह एकल कोशिकाओं को वसा की एक बड़ी मात्रा में संग्रहित करने की अनुमति देता है, जिसे संसाधन कम होने पर जीव उपयोग कर सकते हैं। वे अपशिष्ट पदार्थों को भी संग्रहित करते हैं और पूरे सेल को प्रदूषण से बचाते हैं। पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं जानवरों की कोशिकाओं की तुलना में बड़ी होती हैं, क्योंकि पौधे आसपास के पोषक तत्वों को लेने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना स्थान नहीं बदल सकते हैं, इसीलिए उन्हें अपने सेल में पानी और भोजन को एक रिक्तिका में संग्रहित करने की आवश्यकता होती है। पौधों में रिक्तिकाएं सेल के 80% से अधिक हिस्से पर कब्जा करती हैं। रिक्तिकाएं संख्या में एक या एक से अधिक हो सकती हैं। उनके पास आमतौर पर कोई मूल आकार नहीं होता है। इसकी संरचना कोशिका की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न होती हैं। कोशिकाओं में रिक्तिका के 3 मुख्य कार्य होते हैं, जो पौधे को समर्थन या कठोरता, पोषक तत्वों और अपशिष्ट पदार्थों के लिए भंडारण क्षेत्र प्रदान करते हैं और जटिल अणुओं को विघटित कर सकते हैं। पादप कोशिकाओं में रिक्तिका पानी को भी जमा कर सकती है। तो बच्चों, अब आप समझ ही गए होंगे कि कोशिका यानी कि सेल को जीवन की मौलिक इकाई यानी कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, क्योंकि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। सभी जीवित चीजें कोशिकाओं से बनी होती हैं। जीवन की शुरुआत भी एक कोशिका से होती है। जीवन की सभी गतिविधियां कोशिका के भीतर होती हैं। एक सेल उन सभी जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को करता है जिनकी एक शरीर को आवश्यकता होती है। यह श्वसन, पाचन, ऊर्जा उत्पादन, प्रजनन आदि में कार्य करता है। इसलिए इसे जीवन की संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। प्रत्येक कोशिका का एक जीव में अपनी विशेषता है। कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन। अब कोशिकाएं कैसे विभाजित होती हैं? जिस प्रक्रिया के द्वारा एक कोशिका से 2 या उससे अधिक कोशिकाओं का निर्माण होता है, उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका के विभाजन के कई कारण हैं, क्योंकि कोशिकाएं पुरानी, मृत या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को बदलने के लिए विभाजित होती हैं। कोशिकाएं विभाजित होती हैं ताकि जीवित चीजें बढ़ सकें। जैसे हमने पहले देखा था कि किस तरीके से एक छोटा सा पौधा पेड़ में बदल जाता है, तो कोशिकाएं जब विभाजित होती हैं तब जीवित जो हैं वो बढ़ सकते हैं। मानव जीवन में हर दिन लगभग 2 ट्रिलियन कोशिकाएं विभाजित होती हैं। कोशिका विभाजन में विभाजित होने वाली कोशिका को जनक कोशिका कहा जाता है। मूल कोशिका बेटी की कोशिका में विभाजित होती है या डॉटर सेल में वो डिवाइड होती है, और इस प्रक्रिया को कोशिका चक्र के रूप में दोहराया जाता है। सेल 2 प्रकार से विभाजित करने के लिए इसके प्रकार के सेल पर निर्भर करते हैं। कोशिका विभाजन के 2 प्रकार हैं, सूत्री विभाजन या समसूत्र विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन के इन तरीकों में से प्रत्येक में विशेष विशेषताएं हैं। सबसे पहले समसूत्री विभाजन, जिसको कि हम माइटोसिस भी कहते हैं। जिस कोशिका विभाजन से उत्पन्न पुत्री कोशिकाओं डॉटर सेल्स में गुणसूत्रों की संख्या
मातृ कोशिका मदर सेल में गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम्स की संख्या के बराबर होती है उसे सूत्री विभाजन कहते हैं। सूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है और यह वृद्धि तथा मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस, एक मातृ कोशिका से चार पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। अर्धसूत्री विभाजन उन कोशिकाओं में होता है जिनमें युग्मों का निर्माण होता है। जंतु और पादप में प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन की अहम भूमिका होती है। अभी हमने कोशिका के बारे में पढ़ा, पादप और जंतु की कोशिका में कुछ अंतर होता है। आइए हम इन दोनों के अंतर को देखते हैं। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है और जंतु कोशिका में भी उपस्थित होती है, लेकिन कोशिका भित्ति जो कि पादप कोशिका में तो उपस्थित होती है लेकिन ये जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। केंद्रक दोनों में उपस्थित होता है, कोशिका द्रव्य दोनों में उपस्थित होता है। प्लास्टिड पादप कोशिकाओं में ये उपस्थित होता है जबकि ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। रिक्तिकाएं पादप कोशिकाओं में बहुत बड़ी होती हैं तथा संख्या में कम होती हैं, लेकिन जंतु कोशिका में यह बहुत छोटी होती हैं और संख्याओं में बहुत अधिक होती हैं। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा कि विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग हैं जो विभिन्न कार्य करते हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं, अंतर्द्रव्य जलिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉय यानी कि गोल्जी एपरेटस, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड्स, रसधानियाँ या वैक्यूल्स। हमने कोशिका विभाजन के बारे में भी पढ़ा और पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर भी पढ़ा। आइए अब हम इससे संबंधित कुछ गृह कार्य करते हैं। कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, आप इनको हल करिए। पहला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। कौन सा कोशिकांग कोशिका का ऊर्जा संयंत्र है? गोल्जीकाय का क्या कार्य है? राइट द फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस। अंतर्द्रव्य जलिका कितने प्रकार की है? राइट द टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रश्न 5, पादप कोशिका में बड़े आकार की राजधानी क्यों होती है? Why do plants cell possess large sized vacuoles? आज यह अध्याय हमारा जीवन की मौलिक इकाई यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।